नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो चलो अभी देख लेते कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म लिमिटेड। तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म लिमिटेड, जिसको हम लोग IRCTC नाम से जानते हैं। तो IRCTC के ऊपर बहुत पहले से ही मैं एक एज ए स्विंग बेसिस में एंटी लिया हूँ। तो एंटी में किस कारण के बेसिस में लिया वो मैं आपको दिखाऊंगा, उससे पहले उसका टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए बेसिकली देखा तो कंपनी के ऊपर एक पैटर्न बना था। पैटर्न बहुत लंबे टाइम से बना था, 2022 से लेकर मतलब ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं इस पैटर्न बनने में। तो पैटर्न बनने में टाइम लगा 2 साल, 2022 के मार्च के से लेकर 2024 तक इस पैटर्न्स बनता हुआ देखने को मिला है। तो कंपनी के जो चार्ट पैटर्न्स बना है, देखिए इतने दिनों से जो कप बना है उसके बाद एक छोटा सा हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और फाइनली क्या हुआ, अभी ब्रेकआउट हुआ। अभी ब्रेकआउट हुआ मतलब इस लेवल को ब्रेक किए और देखिए ऊपर जाने का कोशिश तो किया, मगर यहाँ पे देखिए एक स्ट्रांगली क्या बना, रेजिस्टेंस, और वही रेजिस्टेंस उसको बाउंस बैक किया और उसके बाद देखिए फिर से वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। अभी जो पैटर्न यहाँ पे बना है कुछ इस तरीके से डब्ल्यू जैसे पैटर्न क्रिएट हुआ। तो जब भी कोई डब्ल्यू जैसे पैटर्न क्रिएट होता है, एक चीज को याद रखना, उसको ब्रेक करने का कोशिश बहुत ज्यादा होता है। मतलब यहाँ पे कुछ इस तरीके से सिचुएशन बनता है, पहले एक डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, उसको ब्रेक करेगा, उसके बाद जब भी रिटेस्ट करे तो सोचना एक बड़ा सा धमाका करके वो ऊपर जाएगा। अगर ऊपर गए तो कहाँ तक जा सकते हैं, जो मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ करीबन 1265 के आसपास। तो 1265 तक अगर टारगेट हुआ तो इसका जो लाइफ टाइम हाई है, इस कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है वो करीबन 1279 का इसका लाइफ टाइम हाई है, उस लेवल तक जाने का कोशिश करेंगे। तो उस लेवल के नीचे टारगेट बना है तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है उस लेवल तक वो टारगेट को अचीव करेंगे। बाकी आपके क्या राय है IRCTC के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। तो 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड आप सभी जानते हैं पेटीएम के बारे में मैं बातचीत कर रहा हूँ। देखिए पेटीएम के ऊपर एक सबसे बड़ा अपडेट है, पेटीएम का जो CEO है वो क्या किया, रिजाइन कर दिए। तो पेटीएम का जो CEO था उन्होंने रिजाइन किया, और रिजाइन करने के बाद नया CEO अपॉइंटमेंट किया गया है। क्योंकि देखिए पेटीएम का आज हालत खराब है। क्यों हालत खराब है, क्योंकि देखिए पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है, पेमेंट बैंक पेटीएम का बंद हो चुके हैं। और पेमेंट बैंक बंद इसीलिए किया गया है, RBI इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्शन किया कि 29th of February के दिन के बाद पेटीएम का पेमेंट बैंक बंद हो जाएगा। देखिए ऑफिशियली तो बंद हो गया, अभी जितने सारे लोगों को पहले से ही पेमेंट पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसा फंसे हुए हैं तो उसको टाइम दिया गया है उस पैसे को वो रियूज करके और नहीं तो वो विदड्रॉ करके वहां से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि पेटीएम पेमेंट बैंक टोटली बंद किया जाएगा। क्योंकि RBI का कहना है कि पेटीएम ने बहुत गलत तरीके से कस्टमर के पास इस पेटीएम पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन किया और उसको इन्फॉर्मेशन भी नहीं किया कि उसको पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ लिंक किया गया है। तो डायरेक्टली फायदा पेटीएम कमा रहे थे और कस्टमर का लॉसेस हो रहा था। लॉसेस मतलब बहुत बुरी तरीके से उसको फंसाया गया था। तो जिसके चलते RBI ने बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन दिया और इस पेटीएम पेमेंट बैंक को बंद कर दिया। तो जिसके चलते पेटीएम के ऊपर एक भारी भरकम फॉल देखने को मिला। आपको शायद यहाँ पे कुछ फॉल ना दिखे, अगर मैं चार्ट को छोटा कर दूँ तो देखिए कहाँ से कंपनी का गिरावट हुआ। अगर मैं टॉप लेवल से देखूँ तो 993 था और आज सिर्फ 4,390 रुपीज के चल रहा है। तो ऑलमोस्ट कितना बड़ा क्रैश है आप बोल सकते हैं। अगर मैं टॉप लेवल से करंट लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 60% का क्रैश हो चुके हैं। अभी सिचुएशन के हिसाब से बात करूं तो कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है, मैं पहले ही बोल चुका हूं अभी सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऊपर यहाँ पे जो रेंज बना था 440 लेवल, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहे, इसका मतलब डाउन प्रेशर बहुत ज्यादा है और गिरावट का माहौल बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो कंटिन्यूसली एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर सेलिंग प्रेशर हुआ तो एक बड़ा सा फॉल आपको देखने को मिलेगा। तो फॉल मिलेगा तो कहाँ तक मिल सकता है, देखिए इसका लोअर साइड में कोई रेंज नहीं है, क्योंकि इस कंपनी लाइफ टाइम लो के नीचे चल रहा है। इसका लाइफ टाइम जो लो था वो प्रीवियस जो अगर लो में आपके बारे में बात करूँ तो 442 था, तो उस लेवल के नीचे चल रहा है। इसका मतलब इसके नीचे और कोई भी लेवल नहीं है, तो और भी ज्यादा गिरावट होने का चांसेस है। क्योंकि जो लॉस मेकिंग कंपनी है ना, इसमें हमेशा आपको एक चीज को नोटिस करना होगा। जो लोग मुझे बता रहे थे कि कंपनी बहुत शानदार है, किसका सेल्स बहुत स्ट्रांग है, तो उसके लिए बता दूं सेल्स देखने से क्या होगा। मान के चलिए आपकी एक दुकान है जहाँ पे आपको हर दिन देखा जाए तो 10,000 का सेल्स हो रहा है, तो 10,000 का टोटल सेल्स एक छोटे दुकान में हो रहा है।
तो आपको क्या लग रहा होगा कि आपको 10,000 का प्रॉफिट है? बिल्कुल नहीं। आपका जो एक्सपेंस है उसको तो माइनस करिए, आपका जो टैक्सेस है उसको तो माइनस करिए। सब कुछ माइनस करने के बाद आपके हाथ में अगर देखा जाए कि 10,000 आपका सेल्स हुआ था, उस आपका प्रॉफिट नहीं, उल्टा आपका 2,000 का लॉस हो गया, तो आप क्या आपका बिजनेस सही चल रहा है? आप तो देख रहे थे 10,000 का सेल्स हुआ था। तो सेल्स तो इम्पोर्टेंस है ही, मगर हमेशा सेल्स इम्पोर्टेंस नहीं है। कि सेल्स अगर ज़्यादा हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर प्रॉफिट ना कर पाए तो कंपनी बर्बाद हो जाएगा, तो आपका दुकान 2 दिन में बंद ही हो जाएगा। तो सिचुएशन को समझिए, कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है और लगातार लॉस करते चले जा रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी अपकमिंग जो रिजल्ट आने वाले क्वार्टर के, तो वहाँ पे भी लॉस देखने को मिलेगा। बाकी मैं इस कंपनी के ऊपर नेगेटिव सेंटिमेंट्स के हिसाब से देखता हूँ, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर आप यहाँ पे देखिए, FIS के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है, मान लेता हूँ DS के पास ना के बराबर और पब्लिक के पास भरकर माल है। देखिए कुछ दिनों के बाद आपको ये भी दिखेगा कि FIS ने माल बेचा और पूरा के पूरा माल पब्लिक के पास चला गया, क्योंकि इसके ऊपर बड़े इन्वेस्टर जो था वॉरेन बफेट और उसके साथ साथ जो अलीबाबा का फाउंडर जैक मा, वो भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे, और वो बड़े बड़े दो इन्वेस्टर इस कंपनी का माल बेचकर भाग गया। तो कहने का मतलब यह है कि कंपनी के ऊपर आपको सारी चीजों को समझकर काम करना होगा, ब्लाइंडली काम मत करिए। तो आपके क्या ओपिनियन है पेटीएम के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है जोमेटो। देखिए जोमेटो के ऊपर सबसे पहले मैं एक अपडेट में आपके साथ शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं इंडिया जोमेटो हिट रिकॉर्ड हाई ऑन कोटक जो सिक्योरिटीज लिमिटेड है। तो वो क्या किया है, खुद की जो पोजिशनल ट्रेडिंग, पीटी का मतलब है पोजिशनल ट्रेडिंग, उसको क्या किया गया, उनको वो हाइक किया। मतलब एस्टिमेट के हिसाब से उनका कहना है कि कंपनी का अपकमिंग जो रिजल्ट है वो भी अच्छा खासा आने का चांसेस है। ऑब्वियसली नजर है कुछ उसी तरीके से देखने को मिला। अगर मैं टोटल सेल्स के बारे में बात करूँ तो टीटीएम मतलब टिल टू मंथ, करंट जो ईयर चल रहा है उसमें जो करंट जो मंथ है उस हिसाब से देखा है तो कंपनी का जो सेल्स है पिछले सालों की तुलना से बहुत ज्यादा हुआ। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए, ऑब्वियसली लॉसेस में है, मगर कंपनी पहले जो लॉस किया था, फर्स्ट जो क्वार्टर में कंपनी लॉस किया था, उस क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो कंपनी का प्रॉफिट धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले। अब ये देखना है कि कंपनी क्वार्टर फोर में किस तरीके से रिजल्ट को पब्लिश करते हैं। अगर रिजल्ट अच्छा है तो अच्छी बात है, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आए तो कुछ अलग लेवल का सोचना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली एक ट्रेड जरूर कंटिन्यू कर रहा हूँ, वो ट्रेड में दिखाऊंगा। उससे पहले आप देखिए कि कोटक जो इंडस्ट्रियल इक्विटी फंड है उन्होंने क्या किया, इसका पोजीशन ट्रेडिंग 210 तक रखा। पहले 190 तक रखे थे बाइंग रेटिंग, अभी वो 210 तक रखा है। तो करंट लेवल कौन सा है, करंट लेवल 186 चल रहा है। तो 186 चल रहा है और कंपनी का 210 तक टारगेट रखा है, मतलब इस लेवल तक उन्होंने टारगेट रखा है, इस लेवल तक एटलीस्ट उन्होंने टारगेट रखा है। और मुझे लग रहा है वो इजीली उस टारगेट को अचीव करेगा, क्योंकि लंबा जर्नी करने का एक फैसला लिया। वो फैसला कुछ इस तरीके से है, लंबा से कप बना उसके बाद एक हैंडल, मतलब जब से कंपनी हाई हुआ था उसी लेवल को हिसाब से बात करो तो कप विद इंडिपेंडेंस बना और फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके कंपनी ऊपर गए और इस लेवल को टच करने का कोशिश कर रहे हैं। तो वो लेवल निकल कर है करीबन 300 के आसपास, तो मुझे लग रहा है बेस्ट तरीके से लेवल यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जो लेवल को टच करे, इस लेवल को, हाई लेवल को अगर टच करे तो 74% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो जोमेटो के ऊपर मैं तो बुलिश हूँ, आप किस तरीके से सोचते हैं जरूर जरूर एक बार कमेंट्स करके बताना। एज ए इन्वेस्टर भी देखिए इस कंपनी के, देखिए FIS, DS और पब्लिक सबसे ज्यादा होल्डिंग किसके ऊपर है, FIS के ऊपर और उसके बाद DS के ऊपर। तो DS और FIS ने अच्छा खासा क्वांटिटी इसीलिए ऐड किया क्योंकि वो इस कंपनी को बुलिश सिचुएशन के हिसाब से देखते हैं। तो बाकी आप इस कंपनी के ऊपर किस लेवल में बाय करके रखे हैं, क्या आपकी क्या राय है, वो भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है जेम बोरियस लिमिटेड। तो देखिए जेम बोरियस लिमिटेड जो एक 1300 करोड़ का कंपनी है, और बेसिकली देखा है तो इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट आया है, जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो है कंपनी का बोनस का। तो कंपनी एक के बदले 4 शेयर फिर से आपको देने वाले हैं, सॉरी एक के बदले 4 के बदले 1 शेयर फिर से आपको देने वाले हैं। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, कंपनी मे मंथ में फिर से बोनस का अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि जब 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 कंपनी बोनस दिया वो सारे मंथ मे मंथ था। अब इस बार भी कंपनी बोनस देने का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, हर 4 के बदले 1 शेयर कंपनी बोनस देने वाला है। तो कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।